रूत अध्याय चार। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे फुलाने, इधर आकर यही बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यही बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलिमलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले, और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि मुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझसे वह छुड़ाया नहीं जाता। अगले समय मैं इसराइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इसराइल में गवाही इसी रीति होती थी, इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलिमलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूं। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं, कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरो। तब फाटक से पास जितने जो लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इसराइल के घराने की दो उपजने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण से तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, और तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोआज ने रूत को ब्याह लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा, और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है कि जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इसराइल में इसका बड़ा काम हो और बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। ईशय का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरेस की यह वंशावली है, अर्थात पेरेस से हेस्त्रोन और हेस्त्रोन से राम और राम से अम्मीनादाब और अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सल्योम और सल्योम से बोआज और बोआज से ओबेद और ओबेद से ईशय और ईशय से दाऊद उत्पन्न हुआ।